नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे और खैरियत से होंगे। आज बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनका पेनिस सिकुड़कर बच्चों की तरह छोटा हो गया है। उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। ये उपाय आप कहीं भी आयुर्वेदिक स्टोर से देकर यूज कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बनाकर आप यूज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम इसी से दूर होने वाली है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपना ही चैनल है, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं या फिर किसी और वजह से उनका पेनिस जो है सिकुड़कर छोटा हो जाता है बच्चों की तरह, या फिर उनका पेनिस सिकुड़ रहा है हाल फिलहाल की प्रॉब्लम में, या फिर ज़्यादा पुरानी समस्या है। इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको एक उपचार बताने वाला हूँ। इसको आप बनाइए, बनाकर यूज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम इसी से दूर हो जाएगी। तो फिर चलिए चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी, क्या क्या आपको पंसार स्टोर से लेना है, क्या आपको आयुर्वेदिक स्टोर से लेना है, इस सब के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जड़ी बूटियों की, इसमें क्या क्या जड़ी बूटियाँ आपको लेनी है। देखिए, 10-10 ग्राम या फिर 20-20 ग्राम की क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। सफ़ेद मूसली, जंगली सफ़ेद मूसली आपको लेना है 20 ग्राम, काली मूसली आपको लेना है 20 ग्राम। इसी तरह एक आता है विधारा कंद, सफ़ेद विधारा कंद। देखिए, विधारा कंद सुर्ख होता है, विधारा कंद सफ़ेद होता है, सफ़ेद वाला आपको लेना है 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको 20-20 ग्राम की मात्रा में ले लेना है। अब क्या लेना है, देखिए आयुर्वेदिक स्टोर से आपको क्या लेना है। देखिए, गोल्ड पावर नाम से कैप्सूल आता है, या फिर शिलाजीत गोल्ड भी कैप्सूल आप ले सकते हैं। डबल पावर में 20 कैप्सूल आप ले सकते हैं, इसमें आराम से 20 कैप्सूल काफ़ी रहेंगे। सिद्ध मकरध्वज टैबलेट आती हैं, 20 टैबलेट आप ले लीजिए। जो आपने जड़ी बूटियाँ ली हैं उनको अलग अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर बना लेना है। बारीक पाउडर बनाकर अच्छे से कपड़चन पाउडर बना लेना है। बनाकर जो आपने मकरध्वज बटी ली है उसका भी बारीक पाउडर बना लेना। बाकी जो आपने शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल लिया है उसका पाउडर निकाल लेना। ये सारे पाउडर आपस में मिला लेना है। ये आपका नुस्खा तैयार हो गया। एक शीशे के बर्तन में भरकर आपको रख देना है। अब इसका सेवन कैसे करना है, देखिए सेवन दो टाइम करना होगा, सुबह में और शाम में। अच्छा, इसकी टैबलेट भी तैयार कर सकते हैं आप, गुड़ के साथ में, चने के दाने के समान आप इसकी टैबलेट तैयार कर सकते हैं। दो टैबलेट सुबह में और दो टैबलेट शाम में सीधा सीधा ले सकते हैं। इसी तरह आप इसके कैप्सूल भी तैयार कर सकते हैं। कैप्सूल आप 0 साइज या फिर 00 साइज के लेकर आप 1 से 2 कैप्सूल सुबह में, 1 से 2 कैप्सूल शाम में आपको यूज़ करना होगा। इतनी मात्रा में, मतलब 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप इसको ले सकते हैं। ये आपका नुस्खा कंप्लीट तैयार हो गया। सेवन मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं परहेज के बारे में। इसमें परहेज क्या रखनी है, देखिए मास्टरबेशन से दूर रहना है, सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना है 20 दिन के लिए। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनको दूर रहना है 20 दिन, इस बात का ध्यान रखना। बाकी जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो मास्टरबेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, मास्टरबेशन नहीं करेंगे। तो खट्टी मीठी चीज़ों का परहेज रहेगा। विटामिन सी वाले प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करने हैं। नशीली चीज़ें आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी है। बाहर का खाना हो गया, ज़्यादा ऑयली चीज़ें हो गई, मसाले हो गए तेज, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिन लोगों को धातु की प्रॉब्लम है, धातु जाता है यूरिन के साथ, धातु जाता है, चिपचिप पानी की प्रॉब्लम होती है बात करते समय, तो इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो पहले अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर लें, तभी उसके बाद में ये नुस्खा कम्प्लीट आपके ऊपर काम करेगा। प्रॉब्लम भी आपकी इसी से दूर होने वाली है। तो आप बनाइए, बनाकर यूज कीजिए इस नुस्खे को। तो ये रही मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।